जून महीने चोरी हुई बटाले तो पहला तो गड्डी महीना डेढ़ महीना खामोश रही। हूँ पिछले 10-15 दिन एक जशन नाम का मुंडा वा उतों का अमृतसर का, वो बाकी एड्रैस क्लीयर नहीं हो सकया। उन्हें ये गड्डी जी गांह के अपने लागे किसी जानकार बेचती तो कहता भी मैं तुम्हें एक दो दिन जो काज देने लोकल नंबर होने करके उन्होंने गड्डी खरीद ली, पर उन्होंने इस गल का नहीं पता भी ये गड्डी चोरी की आ। गड्डी जी दो वारी टोल प्लाजा कराई, पहली तो उन्हें चेक कर लिया भी नंबर ट्रेस कर लिया, उस तो बाद तीजी बार जो आई आ तो फिर सानू पता लग गया उस सिर्फ फटी। ये सारी गल असल दोषी तो अं लभ रहे हैं, वो पिछे पुलिस लगी ट्रैप लगा वा, जो भी काबू आ गया वो उत्ते खिलाफ़ कार्रवाई करके सारी स्थिति सामने लिया जाए। रोजाना स्पोक्समैन तुम जुड़े हो तो मैं कुलदीप संदीपा, इतने एक मामला सामने आया कि चोरी की गड्डी जी बटालियो चोरी गड्डी होंगी हरिके पुलिस वालों वो काबू की जाती है। दस दी है भी एक गड्डी जी पिछले काफ़ी समय तो चोरी की गई सी, लेकिन अमृतसर किसी व्यक्ति बेची गई है, वो उपर एक फास्टैग लगा सी, फास्टैग ना उतारा गया उस जिन्हें चोरी की गड्डी लई सी, करके ही जी गड्डी ट्रेस की गई है तो हरिके पुलिस वालों एक फड़ी गई गई। लेकिन एक बड़ी वड्डी इच गल सामने आती भी जिन्ना जी गड्डी का फास्टैग लगा सी आखिर वो फास्टैग करके किन्ना चिर गड्डी इलाके घूमती रही, क्यों नहीं बरामद की गई, क्यों नहीं फड़ी गई। लगातार कोशिश पंजाब पुलिस जारी करके एक गड्डी ट्रेस की गई है तो हरिके ठाणे वालों जो फड़ी गई है। इस टाइम सा एस एच ओ हरिके सरदार केवल सिंह मौजूद है, उन्होंने गलबात करने की कहें सर जी गड्डी फड़ी गई सर की सारा मामला है जी। ये गड्डी जून महीने चोरी हुई बटाले तो पहला तो गड्डी महीना डेढ़ महीना खामोश रही। हूँ पिछले 10-15 दिन एक जशन नाम का मुंडा वा उतों का अमृतसर का, वो बाकी एड्रैस क्लीयर नहीं हो सकया। उन्हें ये गड्डी जी गांह के अपने लागे किसी जानकार बेचती तो कहता भी मैं तुम्हें एक दो दिन जो काज देने लोकल नंबर होने करके उन्होंने गड्डी खरीद ली, पर उन्होंने इस गल का नहीं पता भी ये गड्डी चोरी की आ। तो इतने जो उस्मा टोल पता क्रॉस किया पुलिस ने ट्रैप लाया ही तो अं गड्डी फट ली। सर पता लगा कि परिवार ने गड्डी ली सी, कि राशि जी गड्डी खरीदी गई है कितने पैसे थे? उन्हें गड्डी का रेट लाया 60,000 रुपये, 20,000 रुपया लै गए, 40,000 रुपये उन्होंने कहा मैं तुम्हें कल परसों कागज ला देना तो 40,000 रुपये लै जूँगा। उस परिवार ने यह गल नहीं की भी चलो ट्रेस करने की कोशिश की, एक दोनों के शनि ऐतवार आ गया तो गड्डी उन्होंने ट्रेस करने का मौका नहीं मिले तो गड्डी फड़ी गई। सर गड्डी कड़ी सी जल्दी? हाँ डस्टी कार सी। नंबर कितना लगा सी हूँ? वो अमृतसर का जाली नंबर लगा सी, पहला तो नंबर वह होर से मैं याद नहीं, मैं बाहर इलाके जहाँ ये भी पता लगा सर गड्डी जी लगातार ही जी टोल प्लाजे क्रॉस नहीं गई जिसे करके पैसे कटे जाते फास्टैग के तो मालक न पहुँचते ही पैसे। ये गड्डी जी दो वारी टोल प्लाजा कराई, पहली तो उन्हें चेक कर लिया भी नंबर ट्रेस कर लिया, उस तो बाद तीजी बार जो आई आ तो फिर सानू पता लग गया उस सिर फट ली। कह सकते हैं भी जी पुलिस की मुस्तैदी करके जे बंदे काबू आ गए, जो असल जे मुलजम हाले तक वो नहीं फड़े गए। असल मुलजम का सही एड्रैस नहीं पता लगा अमृतसर शहर का, छेती तो छेती एड्रैस कंप्लीट जरा पता करके फड़ के गिरफ्तार करके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। सर सूत्रों की मनीए तो यह कहा जाता वा भी जो कोई ASI से जिन्हें उपर पुलिस का स्टिकर लगाया से गड्डी उपर तो वह गड्डी चला कोई यह गलबात जी? नहीं नहीं वो सिस्टर है क्या वो जो हसबेंड है वो राजस्थान में नौकरी करता, उन्होंने उत्थे एजेंट के कोई पैसे फसे गए, उन्होंने मुंडे को बाहर भेजने का करके वो तो चलाने वास्ते नाल खड़ी और ASI का कोई रोल नहीं है। अच्छा जो मुलाजम है कोई रोल नहीं है, लेकिन मुलाजम कितों सर? मुलाजम तन तन जिले सा मुलाजम वो सिस्टर आ जिन्हें गड्डी खरीदी आ, पर उन्होंने ये नहीं पता भी गड्डी चोरी की जा कदा। हूँ पुलिस विभाग लोग कार्रवाई की, कोई असल दोषी फड़िया गया दूजी जी गड्डी जो खरीदी आ जा किस तरह सर? देखो होंडा गड्डी एक 60,000 की गड्डी खरीदी बड़ी वही गल पता लग जाता भी गड्डी वैके 60,000 की गड्डी होंडा सिटी गड्डी 60,000 कितों मिलनी है? ये सारी गल असल दोषी तो अं लभ रहे हैं, वो पिछे पुलिस लगी ट्रैप लगा वा, जो भी काबू आ गया वो उत्ते खिलाफ़ कार्रवाई करके सारी स्थिति सामने लिया जाएगी। सर कितने दिन हो गए जी गड्डी फड़ी में जी? करीब 3-4 दिन हो गया जी। तो तुम दसिया भी SO साहब ने गलबात की है सरदार केवल सिंह ने जो दसा भी 3 दिन हो गए गड्डी फड़ी में, जेदे असल जे दोषी जिन्हें गड्डी जिन्होंने चोरी की सी बटाले तो वो बंदे हाले पुलिस की गिरफ्तार से बाहर ने। लेकिन एक गल सामने आती भी जी गड्डी चलाई जाती सी वो एक पुलिस मुलाजम से जिहदी भैण सी जी गड्डी चलाउंदी सी, वो गड्डी जी ठाणे खलोती आ, असीं वो भी गड्डी दे शॉट तां दिखावांगे जरूर जी गड्डी फड़ी गई। लेकिन एक होंडा सिटी गड्डी 60,000 की लैनी एक कित्थों पता लगता भी 60,000 की गड्डी अज तक तो रूती कार नहीं आती, लेकिन एक होंडा सिटी गड्डी आनी बड़ी वड्डी गल आ। पुलिस जल्दी इसकी जांच करती पई आ, वेखना होएगा भी किन्नी जल्दी पुलिस विभाग अपनी जिम्मेवारी समझते हुए गड्डी के जिहड़े असल जिहड़े दोषी आ उन्हें गिरफ़्तार करता वा कि नहीं करता। कुलदीप संदीपा रोजाना स्पोक्समैन हरिके थाना तरन तारण।